बड़ी वाल मिली है, क्योंकि समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे और एक पर्वत को दर्शाना है, सागर को दर्शाना है, तो उसके लिए बड़ा स्पेस चाहिए। तो जहाँ जहाँ भी हमको बड़ा स्पेस मिल पाया है, उस बड़े क्षेत्रफल में हम लोगों ने जैसे नैनी जेल है या इस तरह के जैसे जो स्थल हैं वहाँ पर हम लोगों ने समुद्र मंथन को प्रदर्शित किया है। इसके अतिरिक्त कुंभ में स्नान के दृश्य को, साधु संतों के दृश्य को भी दर्शाया गया है जगह जगह। देवी देवताओं का चित्रण है। माई सिटी में हम लोग लगभग 20 लाख स्क्वायर फीट सरफेस एरिया, सतही एरिया हम लोग चिन्हित किए हुए हैं और उस पर तेजी से काम चल रहा है। 5 एजेंसी नामित हैं इसके लिए और वो देश की नामचीन एजेंसीज हैं। हमारी दिल्ली आर्टिस्ट मीट है, राम सुतार हैं, अद्वैता हैं, इस तरह की नामचीन एजेंसीज हैं और वो तेजी से काम कर रहे हैं। जो हमारे मिथकीय विषय हैं, पौराणिक विषय हैं, जो नए विषय हैं, जो जन जागरूकता के लिए, सामाजिक सरोकारों के लिए, उन सबको उसमें सम्मिलित किया गया है। ये प्रोजेक्ट ये अभी तक 13 करोड़ रुपए मिला हुआ है नमामि गंगे और हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा। अभी इसमें हम लोग स्वच्छता के कंसेप्ट को भी लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि स्वच्छता एक तरह से एक अभियान है पूरे देश के लिए। पूरे देश के लोग चूंकि आएंगे इसमें, तो उनको भी इस पेंट माई सिटी के अंतर्गत जो हम लोग प्रदर्शन करेंगे, चित्र प्रदर्शित करेंगे।